पैसे धन्यवाद आपका। आज हमारा डेपोटेशन रायबाग और जसरोटा जो हमारा एरिया जो जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटरी और मेन कनाल जहाँ पे पड़ती हैं, तो हमारे ये अक्षिन साहब ने जो नोटिस भेजे हैं हमें, चाहे वो जिलादार के थ्रू या पटवारी के थ्रू, वो सरासर गलत है। क्योंकि जो छोटी और डिस्ट्रीब्यूटरी बनी है उसका जो एरिया है उसमें वो फिक्सेशन की है कि छोटे जो डिस्ट्रीब्यूटरी का उसका कितना एरिया है। इन्होंने पैरों से जो वो हम डोगरी में बोलते हैं करूँ आप कर वो देखे, और उसके बाद उन्होंने उनको नोटिस भेज दिया। ये सरासर गलत है, ठीक है ना। एक तो बेरोजगारी हमारे जे एंड के में आगे ही बहुत है। किसने छोटी दुकान बनाई है, किसने दो मरले जगह फसल लगाई है, तो इसलिए ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इन लोगों को खासकर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 50-50 साल के जहाँ पे रहते हैं, इनको कंपनसेशन एक रुपया भी नहीं मिला है। इनको तो दो तरफ से मार पड़ी है और आगे से इन्होंने ये नोटिस दे दिया। मैं दावे से कहता हूँ हमारी पंचायत में मुट्ठी हर दो मुट्ठी पंचायत में और भी जो आगे पीछे जो हमारी पंचायतें हैं, अगर वहाँ पे किसी ने तोड़ फोड़ करने की कोशिश की तो हम फर्स्ट लाइन पे मैं खड़ा रहूंगा। पहले हमें कुछ बोलेंगे तो फिर उसके बाद दूसरे लोगों को कुछ बोलेंगे। हम बिल्कुल ये डिसमेंटलिंग नहीं करने देंगे। मैं ये सरकार को ये कहना चाहता हूँ और खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये कहना चाहता हूँ, क्या जरूरत पड़ गई जो एक छोटी सी दुकान तोड़नी है 10 मरले के वहां पर हवाई अड्डा बनाना है इन्होंने, तो इसलिए ये कहना जो बड़े बड़े गुपकार गैंग के लोग थे ना उनकी जगह लो आप, तो ये ऐसा काम मत करो। सरकारें किस लिए होती हैं, सरकारें होती हैं, राजा किस लिए होता है, राजा होता है प्रजा की देखभाल करने के लिए। ये राजा है या कोई खंखार डाकू आया है जहाँ पे, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा काम मत कीजिए जिससे लोग परेशान होंगे और प्रजा के आगे कोई आदमी भी नहीं टिक सकता। जनता जनार्दन है, बनाने वाली भी आपको हम ही हैं और उतारने वाले भी हम ही हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा गलत काम मत कीजिए। थैंक यू जी। सर बताएंगे आइए यहाँ पर आप आए थे, क्या बात है? आज हम अपने चेयरमैन बद्रेश्वर जी डी जी की सरपरस्ती में एक्शन रावी तभी से मिलने आए थे। इन्होंने एक नोटिस दिया है जिसमें हम लोगों को इन्होंने इंक्रोचर बना के रखा है। एक्चुअल में तो अभी तक इन्होंने लैंड एक्वायर नहीं की हुई वहाँ पे, ना लोगों को कंपनसेशन मिला है। जब तक कंपनसेशन नहीं मिला तो लैंड एक्वायर ही नहीं है, तो फिर ये हमें इंक्रोचर कैसे बना दें। इस सिलसिले में हम इनसे मिलने आए थे और इनको साफ साफ शब्दों में बोला गया है कि आपकी लैंड इंक्रोच नहीं है, हम लोग 47 के डिस्प्लेस लोग हैं और जब आपकी ये नहर बनी थी उससे पहले के हम लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं। तो फिर आज हमें नोटिस किस सिलसिले में दिए जा रहे हैं और बिना मतलब लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ अगर ज्यादती होगी तो ये महकमा भी भुगतेगा और जो इनके साथ आएगा वो भी भुगतेगा। मैं पंचायत और दो मुल्क के 22 सरपंच सुरजीत सिंह, मैं चुनाव अपील करता हूँ जो नोटिस हमारे राजबाग हरदमोटी और जो नहर में दिया है, ये नोटिस हम हमारे जो लोग हैं 47 के भूजी इधर बैठे हुए हैं और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने सेटल तो किया नहीं हमारे लोगों को, लेकिन जहाँ पर जो लोग बैठे थे वहाँ वहाँ टपरी पाई उधर मकान बना लिए। उसके बाद जो ये सूआ बना है काफ़ी देर 80 में बना हुआ है। उसके बाद जो लोगों ने मकान बनाए हैं आज उनको नोटिस मिला हुआ है कि ये मकान नहर के बीच हैं, इनको तोड़े जाएंगे। हम जो हमारे लोग गरीब लोग हैं जिन्होंने मकान बनाए हुए हैं कहाँ पर जाएंगे फिर? और गरीब लोग हैं जो 47 उस से आए थे, गवर्नमेंट अगर सेटल करने के बजाय आज उनके मकान तोड़ रहे हैं, वो कहाँ पर जाएंगे? हम फिर भी गवर्नमेंट से अपील करते हैं, डिपार्टमेंट से भी कहते हैं कि ऐसा काम नहीं किया जाए, किसी को तोड़ा नहीं जाए, किसी को तोड़ नहीं जाए।
जी नमस्कार। आज हमारा डेपुटेशन पंचायत हरदो मुठी, पंचायत फोरलैंड बेस्ट ए रख होशियारी और एडजॉइनिंग पंचायत जो अफेक्टेड हैं, जिनको ये नोटिस सर्व किया गया है, ये 56 एनक्रोचेस के नाम ये इन्होंने नोटिस सर्व किया है रावी तवी इरीगेशन कॉम्प्लेक्स ने। तो एक्शन से मिले हम, तो इनके पास इसका कोई आधार नहीं है। आधार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लैंड एक्वायर ही नहीं हुई है। जो बैराज का जो डी मेन कैनाल है या D5 है, डिस्ट्रीब्यूटरी 5 है, उसमें जो लैंड इन्होंने यूज़ की है उसको एक्वायर नहीं किया गया था 1980s में, जिसके बिहाफ पर ये नोटिस इशू कर रहे हैं। किसी को कंपनसेशन नहीं, लैंड कंपनसेशन नहीं मिला, ये ज़बरदस्ती एक बदमाशी की तरह ये काम कर रहे हैं और बिना वजह के हमारे लोगों को हरास किया जा रहा है। आगे ही हमारी जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है वो एविक्शन ऑर्डर के खिलाफ हम हर जगह मुजाहरा हमने किया है कि इस ऑर्डर को गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये जमींदारों के खिलाफ है, ये डिस्प्लेस लोगों के खिलाफ है, ये आम कॉमन मैन के खिलाफ है। ये इसको, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इन फ्यूचर अगर ऐसा इनका बर्ताव रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि ये जो जैसे हमारे सरपंच साहब ने बोला है कि ये लोगों के लिए आप फॉर द कॉमन मासेस के लिए आप काम करिए, ना कि उनको उजाड़ने का काम करिए, जिससे आप 1 करोड़ पॉपुलेशन को सीधा अफेक्ट कर रहे हैं। जिस ऑर्डर से उसको वापस लेने में क्या हर्ज है? क्या आप प्रैक्टिकल किन लोगों को आप यहाँ पर बसाना चाहते हैं? हमारे गरीब लोगों की ज़मीनें लेकर आप किन लोगों को बसाना चाहते हैं? हमारे जम्मू कश्मीर के तो लोग खुश नहीं हैं आपसे, तो बाहर के लोगों को आप बसाएंगे यहाँ पर? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये आपकी जो मुसलसल कोशिशें ये रही हैं हमारे लोगों का इफेक्ट करने की, ये बर्दाश्त ना काबिले बर्दाश्त है। हम इसको पूरा कड़ी से कड़े शब्दों में कंडेमन करते हैं और अपील करते हैं कि ऐसे नोटिसेस को वापस लिया जाए, सो दैट के आम बंदा जो है अपनी चैन की नींद सो सके अपने परिवार के साथ। थैंक यू।